ग्वालियर वार्ड क्रमांक 40 के प्रत्याशी से ग्वालियर संवाददाता योगेश बिसारिया से खास बातचीत की। प्रत्याशी अलबेला गोरैया ने बताया कि मैं क्षेत्र में जहां भी जाता हूं, क्षेत्र की जनता का मुझे भरपूर समर्थन मिलता है। साथ ही मैं पिछले 20 वर्षों से क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टी के प्रत्याशी केवल चुनाव के टाइम ही हमारे पास वोट मांगने आते हैं। आज हम वार्ड 40 में अलवेल गोरैया जी जिनके पास बैठे, मैं इनका राजनीतिक करियर पर थोड़ा प्रकाश डालूं। ये पिछले 3 बार के पार्षद हैं और इनका अपने क्षेत्र में अलग ही एक दबदबा है। इसी क्रम में आज मेरे पास बैठे हुए अलवेल जी, आपका चैनल पर स्वागत है। बेसिकली कि जब 20 साल हो गए हमको जनसेवा में आए हुए, जब से हमने जनसेवा का पथ चुना है तब से लेकर आज तक निरंतर हम जनसेवा करते आ रहे हैं। वास्तव में बाढ़ के हम नेता नहीं है, बाढ़ हमारा घर है, बाढ़ हमारा परिवार है। हर उस बाढ़ का व्यक्ति मेरा छोटा बड़ा, मेरा उनसे संबंध है। क्या 2004 में लक्ष्मीगंज मरगट शमशान की वो हालत खराब थी, 3 फुट पानी कीचड़ रहा करती थी, लेकिन आज वहाँ 7 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। कि पिछले 57 साल से आपको तो मालूम है नगर निगम परिषद में बीजेपी शासन कर रही है, तो इस बार बदलाव की क्या लहर है और क्या लगता है इस बार के कांग्रेस का महापौर बनेगा? और 100% सतीश सिकरवार बहुत बड़े वर्कर हैं। कोरोना काल में सतीश सिकरवार, अलवेल गोरैया, 2-3 नाम ऐसे हैं। सारे लोग नेता घरों पर सो रहे थे, लेकिन सतीश सिकरवार, उनकी पत्नी, उनका बेटा, मेरी पत्नी, मैं, सारे लोग जनता के बीच में रहे हैं। ये मेरे साथ थे अलवेल गोरैया जी, जिनके बारे में आपने कहा किन मुद्दों को लिए चुनाव दिए। रोजाना हम आपको देते रहेंगे बराबर। मैं योगेश बिसारिया, MKN News, ग्वालियर।